निवेदन करूंगा कि ताली बजकर अगर हाथ लोग बैठे हो कृपया ताली बजती रहे, कृपया ताली बजती रहे। सभी लोगों से निवेदन, रवि देवी से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और बबीता चौहान जी का जो महिला। अच्छा, सबसे पहले इस चौहान सम्मेलन में आए हुए महेंद्र चौहान जी से चाहेंगे कि गुलदस्ता भेंट करें। अभिनंदन बंदर करता हूँ और कार्यक्रम के शुरुआत के लिए झंडा रोहण। और आप हमारे मुख्य अतिथि माननीय बलराम बाबू उदास होकर के हरदम राम का, धर्म का, जाति का सहारा लेने वाली यह पार्टी है। अब ये चारों तरफ से अपनी विफलताओं को अयोध्या के नाम पर छिपाना चाहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी बहुत ही चतुर है। ये हिंदुस्तान का आदमी गरीब भले है, लेकिन वो बड़ा चतुर है, बहुत न्यायप्रिय है। इनका कोई भी हथकंडा काम नहीं आएगा। इनका चरित्र और चेहरा और नीतियां जनता के सामने और देश के सामने आ चुकी है। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी जातिवाद को बल नहीं देती, लेकिन हम जगाने के लिए, अब जन जन को जगाने के लिए अगर हमें इस तरह के, क्योंकि आज जात के कारण ही एक शानदार विचारधारा का मुख्यमंत्री शानदार काम होते हुए भी जनता का हम समर्थन नहीं ले पाए। आज हमारे जो लोग भटके हैं या इधर पिछली बार इधर उधर गए, बिखरे हैं हम लोग, उस समाज को जोड़ने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं और सब समाजवादी पार्टी के समर्थन में सभी लोग। ये जो सब देश में धोखे से सरकार आई है, झूठों की सरकार आई है देश और प्रदेश में, उनको हटाने के लिए उनको कृत संकल्प हो रहे हैं सब समाजवादी। अब वो आपके मीडिया में टूटी होगी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ नेताजी के आशीर्वाद को लेकर के ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोग पूरे देश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक हो रहे।